हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी मैथ्स क्लास नाइन्थ अध्याय एक संख्या पद्धति, इसकी हम कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं समझने वाले हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। यदि आप इन परिभाषाओं को अच्छे से समझ लेते हो तो आगे की जो आप प्रश्नावली सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, उसमें आपको सरलता जाएगी। इसलिए इनको आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम प्राकृतिक संख्याओं के बारे में देखते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं। इनको आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो प्राकृतिक संख्याओं को इंग्लिश में जो है नेचुरल नंबर कहते हैं। शॉर्ट में इसे हम एन से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं? तो ऐसी संख्या है जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं। अर्थात यदि हम सरल भाषा में इसको कहें कि गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्या, जैसे गिनती में एक से लेकर अनंत तक की संख्या, अर्थात एक से लेकर जहाँ तक संख्या होती हैं, वे सभी जो हैं प्राकृतिक संख्याओं की श्रेणी में आती हैं। जैसे यदि हम एक की बात करें तो एक भी क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है। तो एक से लेकर अनंत तक की संख्याएं, अर्थात गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एक, दो, तीन, चार, पाँच, जितनी भी एक से लेकर आगे तक की जितनी भी अनंत तक की संख्याएं हैं, सभी जो हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इसलिए आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमने लिखा कि ऐसी संख्याएं जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, अर्थात गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्या। गिनती कहाँ से स्टार्ट होती है? एक से शुरू होकर अनंत तक की संख्या क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। और इसे हम कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इंग्लिश में इसे नेचुरल नंबर कहते हैं। तो इसका पहला अक्षर एन, इसे हम एन से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद पूर्ण संख्या। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि पूर्ण संख्या क्या होती हैं। तो पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में जो है होल नंबर कहते हैं, और इसे डब्लू से, कैपिटल डब्लू से, इसका पहला अक्षर डब्लू होता है, इसलिए इसे डब्लू से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर इसकी जो परिभाषा है कि ऐसी संख्याएं जो जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती हैं? एक से शुरू होती हैं। जबकि जो है पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती हैं? जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं। तो इसकी जो परिभाषा है कि ऐसी संख्याएं जो जीरो से शुरू होकर कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक जाती हैं। अर्थात यदि हम प्राकृतिक संख्या में क्या जोड़ दें? जीरो को और सम्मिलित कर दें तो क्या बन जाती हैं? पूर्ण संख्या बन जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राकृतिक संख्याएं एक से शुरू होती हैं, लेकिन पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती हैं? जीरो से शुरू होती हैं। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, जबकि पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट होती हैं। यदि हम प्राकृतिक संख्याओं के आगे जीरो को और सम्मिलित कर दें तो ये क्या बन जाती हैं? पूर्ण संख्या बन जाती हैं। तो इस प्रकार से आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद जो है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्याओं के बारे में आपको पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या क्या होती है। तो आइए इसको हम समझ लेते हैं। तो परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिन्हें हम पी बटे क्यू, अर्थात पी बटे क्यू का मतलब यहाँ पर क्या होता है? पी होता है अंश का मान, और जो क्यू होता है वह हर का मान होता है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा 3/5, तो यहाँ पर इसमें अंश वाली संख्या ऊपर वाली संख्या 3 कहलाएगी, जिसका मान पी का मान होगा, और क्यू जो है हर नीचे वाली संख्या कहलाएगी। तो 3/5 एक क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। तो ऐसी संख्या जिन्हें हम पी बटे क्यू, अर्थात बटे वाली संख्या, जितने भी बटे वाली संख्या, वे सभी क्या होती हैं? परिमेय संख्या की श्रेणी में आती हैं। तो ऐसी संख्या जिन्हें हम पी बटे क्यू, अर्थात अंश बटे हर भी हम कह सकते हैं, या फिर बटे वाली संख्या भी कह सकते हैं। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें हम पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है या व्यक्त कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ पी और क्यू दो पूर्णांक होते हैं, अर्थात पी का मान यहाँ पर जीरो के बराबर नहीं हो सकता और ना ही क्यू का मान जीरो के बराबर हो सकता है। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि बटे वाली संख्या जिन्हें हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या कहलाती हैं। तो यहाँ पर जैसे यदि हम 5 की बात करें तो 5 भी क्या है? एक परिमेय संख्या है।
क्योंकि इसके बटे हम एक लिख सकते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि जीरो भी क्या एक परिमेय संख्या है, तो हाँ जीरो भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके हर में अर्थात बटे में हम एक लिख सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी संख्या, जैसे हमने 4/5 लिखा, तो यह भी एक बटे वाली संख्या है, यह भी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। और जितनी भी करनी वाली संख्या हैं इस प्रकार से जिनका वर्गमूल होता है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि ऐसी करनी वाली संख्याएं जिनका वर्गमूल होता है, अर्थात करनी से जो वर्गमूल करने पर बाहर आ जाती हैं। जैसे हमने 49 लिखा, तो 49 को हम क्या लिख सकते हैं, करनी के अंदर अंडर रूट के अंदर हम इसको 7 × 7 अर्थात 7, यहाँ पर 7 को हम दो बार लिख सकते हैं। 49 को हमने दो इस प्रकार से दो भागों में बांटा, 7 × 7। तो यदि हम गुणा करेंगे तो वापस से 49 आ जाएंगे और 7 और 7 की जोड़ी बन जाएगी, तो 7 जो है करनी से संख्या बाहर आ जाएगी। और यह जो है आपने कक्षा 8वीं में ज़रूर पढ़ा होगा करनी के बारे में। तो इस प्रकार से, और 7 के बटे हम एक लिख सकते हैं, तो यह क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि बटे वाली संख्याएँ और करनी वाली संख्या जिनका वर्गमूल होता है, जैसे हम करनी के अंदर यदि 36 लिखें, तो 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 × 6 लिख सकते हैं, जोड़ी बन जाएगी, तो 6 जो है करनी से संख्या बाहर आ जाएगी और इसके बटे हम एक लिख सकते हैं, तो 6 भी एक क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। इसके बाद हम देख लेते हैं अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्या जस्ट इसके विपरीत होती हैं, तो ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। और ऐसी करनी वाली संख्या जिनका वर्गमूल नहीं होता, परिमेय संख्या में क्या होता है कि करनी वाली संख्या जो है यहाँ पर करनी से बाहर आ जाती हैं, लेकिन यहाँ पर अपरिमेय संख्या कभी जो है करनी से बाहर नहीं आती हैं। जैसे करनी 7 है, तो करनी 7 को हम कुछ नहीं लिख सकते हैं, तो करनी 7 भी क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसी दशमलव वाली संख्याएं और पाई भी एक क्या है, अपरिमेय संख्याएं, ऐसी दशमलव वाली संख्याएं जिनकी पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति का मतलब क्या होता है कि संख्या बार बार रिपीट होती हैं, कभी ख़त्म ही नहीं होती हैं। जैसे यहाँ पर लिखा 0.101, यहाँ पर आप देख सकते हैं, फिर इसके बाद 101 है, 101, फिर 101 है, और यहाँ पर डैश लगा है, इसका मतलब क्या कि संख्या बार बार रिपीट होती हैं। तो ऐसी दशमलव वाली संख्याएं जिनकी पुनरावृत्ति बार बार होती हैं अपरिमेय संख्या कहलाती हैं, और पाई भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और जितनी भी करनी वाली संख्याएं जिनका वर्गमूल नहीं होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं परिमेय संख्या में जैसे हमने करनी 49 लिखा, तो इसका वर्गमूल कितना होता है, 7 होता है, क्योंकि 49 को हम 7 × 7 लिख सकते हैं, तो जोड़ी बन जाएगी, संख्या करनी से बाहर आ जाएगी और 7 के बटे हम एक लिख सकते हैं, तो यह क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसी करनी वाली संख्याएं जिनका वर्गमूल नहीं होता है, जो करनी से संख्या बाहर नहीं आती हैं, वे सभी क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या होती हैं। तो इस प्रकार से इनको आप अच्छे से ध्यान रखें, और जितनी भी परिभाषा हम आपको समझाते हैं या लिखवाते हैं, तो आप इनको अच्छे से अपने नोट्स में लिखते जाइए, और जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे तो आपको अच्छे से लिखते जाना है, और उनको आपको अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है, क्योंकि मैथ्स है, जितनी ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे, सॉल्व करेंगे, उतनी अच्छे से आपसे जो है गणित अच्छे से बनेगी। इसके बाद हम देख लेते हैं वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। इंग्लिश में जो है वास्तविक संख्याओं को रियल नंबर कहते हैं, या ऐसे हम कैपिटल, पहला अक्षर रियल का क्या होता है, आर होता है, तो ऐसे हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि वास्तविक संख्या क्या होती हैं, तो सभी परिमेय, जितनी भी परिमेय संख्या है, जैसे आपने अभी देखा कि परिमेय संख्या क्या कहलाती है, बटे वाली संख्या है, जितनी भी बटे वाली संख्या है, जैसे हम 2 की बात करें तो 2 के बटे हम एक लिख सकते हैं, क्या है, परिमेय संख्या है। 5/7 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो सभी परिमेय और अपरिमेय, वास्तविक संख्या जो है परिमेय और अपरिमेय से मिलकर बनी होती हैं। जैसे यदि हम करनी 3 की बात करें, तो यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलन से प्राप्त, अर्थात यदि हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को मिला दें, तो वह क्या बन जाती हैं, वास्तविक संख्या बन जाती हैं।
तो सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलन से प्राप्त संख्या जो है वास्तविक संख्या कहलाती है, और इसे हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इंग्लिश में इसे हम रियल नंबर कहते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है, जैसे हमने उदाहरण में लिखा कि रियल नंबर जो वास्तविक संख्या होंगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1, 2, 3 जीरो भी हो जाएगी, करणी वाली अपरिमेय हो जाएंगी, करणी 5, करणी 3, इस प्रकार से क्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। और भी आगे हो सकती हैं, जैसे 1 क्या है, एक परिमेय संख्या, 2 भी क्या है, एक परिमेय संख्या, 3 भी क्या है, एक परिमेय संख्या, और 0 भी क्या है, एक परिमेय संख्या, क्योंकि इनके बटे हम 1 लिख सकते हैं। और यहाँ पर करणी 2, करणी 5, करणी 3, ये क्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्या। तो यदि हम परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिला दें, दोनों संख्याओं को हम मिला दें, तो वह क्या बन जाती हैं, वास्तविक संख्या बन जाती है। इसलिए इनको आप अच्छे से ध्यान रखें। तो इस परिभाषा को आप अच्छे से लिख लीजिए। इसके बाद जो है सम संख्याएं, आपको पता होना चाहिए कि सम संख्या क्या होती हैं और विषम संख्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम सम संख्याओं को पढ़ लेते हैं। तो ऐसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। सरल भाषा में यदि कहें कि ऐसी संख्या जिनमें दो का पूरी तरह भाग चला जाता है, जैसे यदि हम संख्या 4 की बात करें और यदि हम इससे 2 से भाग करें, तो 2 से 4 में कितनी बार भाग जाएगा, 2 बार पूरी तरह भाग जाएगा, और शेषफल क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, अर्थात जिन संख्याओं में 2 का पूरी तरह भाग चला जाता है, उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। जैसे यदि हम 2 की बात करें, तो 2 का 2 में भाग पूरी तरह जाएगा, 2 एकम 2, शेषफल क्या बचेगा, 0 बचेगा। इसके बाद 4 में भी 2 का भाग पूरी तरह जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएंगे। 2 का भाग 6 में चला जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएंगे। तो ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, अर्थात जिन संख्याओं में 2 का पूरी तरह भाग चला जाता है, अर्थात 2 से विभाजित हो जाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, इस प्रकार की संख्या क्या कहलाती हैं, सम संख्या कहलाती हैं। तो इनको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद हम देख लेते हैं विषम संख्याएं। विषम संख्याएं सम संख्याओं के जस्ट विपरीत होती हैं। कि सम संख्या क्या कहलाती हैं, जिन संख्या में 2 का पूरी तरह भाग चला जाता है, उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। लेकिन जिन संख्या में 2 का पूरी तरह भाग नहीं जाता है, अर्थात ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। जैसे यदि हम संख्या 1 की बात करें, तो 1 में जो है 2 का भाग नहीं जाता है। संख्या 3 की बात करें, तो संख्या 3 में जो है 2 का भाग तो चला जाएगा, लेकिन पूरी तरह नहीं जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, शेषफल यहाँ पर इसमें कुछ ना कुछ संख्या जरूर बचेगी। तो यहाँ पर शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो ऐसी संख्या जिनमें 2 का भाग पूरी तरह नहीं जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, इस प्रकार की संख्याएं जो होती हैं विषम संख्या कहलाती हैं। तो इनको आप अच्छे से ध्यान रखें। इसके बाद जो है आपको अभाज्य संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या क्या होती हैं, किस प्रकार की संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहेंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से परिभाषा दी गई है कि ऐसी संख्या जो एक तथा संख्या स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। सरल भाषा में यदि हम समझें, तो ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती है, अर्थात जिन संख्याओं में एक और संख्या स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे यदि हम संख्या 2 की बात करें, तो संख्या 2 में जो है 1 का भाग चला जाएगा और स्वयं अर्थात 2 का भाग चला जाएगा, इसके अलावा किसी और संख्या से संख्या 2 में भाग नहीं जाएगा।
तो ऐसी संख्या जो एक तथा संख्या स्वयं, जैसे संख्या स्वयं यहाँ पर क्या है, दो और एक का भाग इसमें चला जाएगा। जैसे यदि हम संख्या तीन की बात करें तो संख्या तीन में एक का भाग चला जाएगा, एक का भाग हम तीन में करेंगे तीन बार जाएगा, शेषफल जीरो बचेगा। और संख्या स्वयं, जैसे तीन है तो तीन स्वयं संख्या से हम भाग करेंगे, तीन का भाग तीन में करेंगे तो तीन एकम तीन हो जाएगा। तो ऐसी संख्या जिनमें एक तथा संख्या स्वयं, अर्थात जैसे यदि हम तीन लें तो तीन का भाग करेंगे और एक का भाग करेंगे, जैसे यदि हम पाँच की बात करें तो पाँच में एक का भाग चला जाएगा और स्वयं अर्थात पाँच का भाग चला जाएगा। तो ऐसी संख्या जिनमें एक तथा संख्या स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से पूर्णतः भाग नहीं जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे यदि हम संख्या चार की बात करें तो यह एक क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या होगी, क्योंकि इसमें एक का भाग भी चला जाएगा, दो का भी चला जाएगा और संख्या चार का भी जाएगा, तो यह क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसी संख्या जिनमें एक और संख्या स्वयं, जैसे यदि हम दो की बात करें तो दो में एक का भाग चला जाएगा और स्वयं का अर्थात दो का भाग चला जाएगा, तीन की यदि बात करें तो तीन में एक का भाग चला जाएगा और यहाँ पर तीन का स्वयं अर्थात संख्या स्वयं का भाग चला जाएगा। तो इस प्रकार की संख्या जो होती हैं अभाज्य संख्या कहलाती हैं। और यहाँ पर नोट यहाँ पर लिखा गया कि संख्या जो एक है ना तो भाज्य संख्या होती है और ना ही अभाज्य संख्या होती है। ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में कि संख्या एक क्या है, भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या। तो आपको ध्यान रखना है कि संख्या जो एक है ना तो भाज्य संख्या होती है और ना ही अभाज्य संख्या होती है, क्योंकि एक में एक का भाग चला जाएगा। लेकिन ये परिभाषा में क्या होती है कि संख्या एक तथा संख्या स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने जो है सबसे पहले हमने प्राकृतिक संख्याओं के बारे में पढ़ा कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो प्राकृतिक संख्या अर्थात गिनती वाली संख्याएं जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर देखा है पूर्ण संख्याओं के बारे में। तो पूर्ण संख्या क्या होती है, यदि प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होती है अर्थात गिनती वाली संख्या, जबकि पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या में यदि हम जीरो को और सम्मिलित कर दें अर्थात जीरो को और यदि हम लिख दें जीरो एक दो तीन, इस प्रकार की संख्या क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या। इसके बाद हमने जो है परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा अर्थात बटे वाली संख्या, जैसे हमने तीन लिखा तो तीन के बटे हम एक लिख सकते हैं, परिमेय संख्या हो जाएंगी। पाँच बटे सात भी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। और ऐसी करणी वाली संख्या जिनका वर्गमूल होता है, जैसे हमने करणी 49 लिखा तो इसका वर्गमूल होता है, क्योंकि हम 49 को 7 इंटू 7 लिख सकते हैं, करणी से संख्या बाहर आ जाएगी और 7 के बटे हम एक लिख सकते हैं। इसके बाद हमने देखा अपरिमेय संख्या, तो ऐसी संख्या जिन्हें हम पी बटे क्यू अर्थात अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अर्थात बटे के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं, जैसे पाई है तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। करणी तीन भी एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं होता है, करणी से संख्या बाहर नहीं आती है। करणी दो भी एक अपरिमेय संख्या है। और ऐसी दशमलव वाली संख्याएँ जिनका दशमलव प्रसार अनंत तक होता है, जैसे यदि हम 0.135135 इस प्रकार से लें तो यहाँ पर दशमलव के बाद संख्या जो है बार बार रिपीट होती है, कभी यहाँ पर खत्म ही नहीं होती है, बार बार संख्या रिपीट होती है। तो ऐसी दशमलव वाली संख्या है जिनकी पुनरावृत्ति अर्थात जो संख्या बार बार रिपीट होती हैं वे अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। इसके बाद हमने देखा वास्तविक संख्याएँ, तो वास्तविक संख्या है यदि हम परिमेय संख्याएँ और अपरिमेय संख्या दोनों को यदि हम मिला दें, जैसे हम तीन को ले लें और पाई को ले लें, तीन को ले लें, करणी तीन को ले लें, तो इस प्रकार की संख्या क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्या कहलाती हैं। इसके बाद हमने देखा सम संख्याओं के बारे में कि सम संख्या क्या होती हैं, तो ऐसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, जैसे यदि हम दो की बात करें तो दो में जो है दो का भाग चला जाएगा, यह क्या हो जाएगी, सम संख्या हो जाएगी। छः की यदि बात करें तो छः भी क्या हो जाएगी, सम संख्या हो जाएगी। तो दो चार छः आठ दस इस प्रकार की संख्या जो हैं सम संख्या कहलाती हैं। इसके बाद हमने देखा विषम संख्याओं के बारे में, तो ऐसी संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं,
जैसे यदि हम एक की बात करें तो एक में दो का भाग नहीं जाता है, ना ही तीन में जाता है, ना ही पाँच में, सात, नौ, इस प्रकार की संख्या जो है विषम संख्या कहलाती हैं। इसके बाद जो है हमने अभाज्य संख्याओं के बारे में देखा, तो अभाज्य संख्या ऐसी संख्या कहलाती हैं जो एक तथा संख्या स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, अर्थात जिसमें एक और संख्या स्वयं का भाग पूरी तरह चला जाए, वे संख्याएँ अभाज्य संख्या कहलाती हैं। तो इस प्रकार से इन परिभाषाओं को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे, तब तक आप इनको अच्छे से तैयार करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।